और ये पहली गेंद पर प्रहार, रुका नहीं पाई शैलीन, बहुत अच्छी कोशिश थी बाउंड्री पर वहां पर। फोर फोर, पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत, अच्छी कोशिश वहां पर शैलीन की, इशारा किया उन्होंने कि फिंगर टिप्स को लगी थी गेंद, अच्छी कोशिश वहां पर बाउंड्री रोप पर, लेकिन पहली गेंद पर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए नीलो ने, वो बॉक डाउन नहीं होंगे। और ये दूसरी गेंद उनके आर्क में देंगे तो वो गेंद के बाद गेंद आपको बाहर मारेंगे, दो गेंदों में 10 रन, अच्छी शुरुआत, थोड़ा सा प्रेशर भव्य पे, और चिराग एक स्ट्रेटेजी के तहत कीपिंग पे आ रहे हैं। वी ऑल नो दैट कीपर का बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है एक बल्लेबाज के बल्लेबाजी में, थोड़ी सी चर्पिंग हियर एंड देयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कीपर हैज टू बी इन द बैट्समैन्स ईयर्स। और पाजी की टीम में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, डगआउट में वॉल्यूम डेसिबल्स हाई, दो मैचे चेस करने के बाद इस मैच में करारी शुरुआत, तेज तरार शुरुआत, दो गेंदों के बाद 10 रन, नीलेश बिश्त उर्फ नीलू बैटिंग क्रीज पर। और ये वाइड बॉल, अपना पोज होल्ड करते हुए नीलू, जानते हो कि वाइड बॉल थी, और आवाज बढ़ती हुई पाजी के डगआउट से, और ये अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, टक कर दिया उनको लेग स्टंप लाइन पर, लेकिन फिर भी सिंगल चुराने में कामयाब, 3 गेंदों के बाद स्कोर है 12, टीम पाजी वर्सेस टीम वांटा विलास इन दिस MRPL सीजन 1 डे 1 की मैच नंबर 5। और ये बैकफुट से पंच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन जड़ चुके हैं नीलू इस ओवर में। MRPL ब्रॉट टू यू बाय वाइल्ड क्लोथिंग, बुलेट राजा बाइक्स, KS मॉड्यूलर किचन, सेट्स इन द सिटी एंड निचॉन इंडस्ट्रीज। पांच गेंदों के बाद स्कोर है 12, आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये वाइड बॉल, अच्छी कमबैक की थी भव्य ने, डेफिनेटली चाहेंगे एक बड़ा हिट ना खर्च करें आखिरी गेंद पर। 5 बॉल 13 13, और नीलू यहां पे थोड़ी सी एडवाइस, सजेशन, डिस्कशन देते हुए ध्रुविल को, और ये अच्छी गेंद थी, अंदर आई इनसाइड एज, पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन, एक अच्छी शुरुआत, दो गेंदों में 10 रन खर्च करने के बाद एक अच्छा कमबैक भी यहां पर भव्य का, लेकिन एक ओवर 13 रन टीम पाजी का स्कोर। नीलू उम्दा लय में लग रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मैचअप है इस टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर्स में से, ये दो प्लेयर्स हमारे चिराग चौधरी और नीलेश बिश्त, इनकी ये गेंद और बल्ले के बीच की बैटल बहुत ही एक्साइटिंग होगी। और ये अच्छी गेंद यहां पर लेग स्टंप लाइन पकड़ के बैकफुट से पंच किया, मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई रन नहीं। वन पॉइंट वन 13, और अपनी अगली गेंद फेस करने के लिए नीलू तैयार। थोड़ा सा ये पर्सनल टच, पर्सनल स्पाइस लाते हुए ये दोनों प्लेयर्स इस मैच में, दोनों बहुत ही उम्दा शैली के ऑलराउंडर्स हैं अपनी अपनी टीम के लिए।
और अंपायर का इंटरवेंशन दोनों को बताते हुए कि टाइम ना वेस्ट किया जाए प्लीज। और ये उम्दा शॉट, लेकिन चिराग कामयाब। नीलू की विकेट, बहुत ही उम्दा विकेट, बहुत ही बड़ी विकेट। ऐसा लग रहा है इतना रुके तो लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन कर गए नीलू। चिराग अपने स्ट्रेटेजी के तहत कामयाब हुए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, द बॉल वॉज देयर टू हिट बट एंगल नहीं मिला, एलिवेशन मिला था लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिला और नीलू अपनी विकेट गवा बैठे। और चिन्मय आ चुके हैं यहां पर जो अपने ऐसे वाले स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते। मैं कहने वाला था कि ये यही करेंगे, बैट का फेस ओपन करेंगे और मेरी तरफ खेल देंगे गेंद को। स्पेशलाइज किया है उन्होंने। गेंद हो चुकी है 3 गेंदों के बाद 14, 1.314। और चेंज इन फील्ड यहां पर, दीप को फर्स्ट स्लिप, वाइड फर्स्ट स्लिप पे लाया गया है। और पहले ऑफ स्टंप के ऊपर से उठाया, इस बार लेग स्टंप के ऊपर से उठाया। 4 गेंदों के बाद स्कोर है 15। चिन्मय डिसाइड कर गया है ये पूरी ओवर वो वही करेंगे, विल डील इन सिंगल्स। और ऐसा लग रहा है बैट को तो नहीं लगी थी और ग्लव्स तो है नहीं, तो इस टूर्नामेंट में वो अपील तो होगी नहीं। अगली गेंद के लिए चिराग तैयार। आज के बाद और ओवर हो चुका है, 2 ओवर की समाप्ति पर 15। दो ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 15। और माय मैन एट द बॉलिंग क्रीज किरीट ठक्कर, एक्सपीरियंस्ड बॉलर, लास्ट मैच में 3 विकेट चटका के मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन पहली मैच के मैन ऑफ द मैच पाजी के ध्रुविल क्रीज पर है भाई। उम्दा बल्लेबाजी की लय में है और चिन्मय जो कि लास्ट मैच पूरी इनिंग संभाल कर खड़े थे। और अंपायर का इशारा नो बॉल, एक्स्ट्रास के साथ शुरुआत। स्कोर है 16 रन। बैकफुट से उठा देना चाहते थे लेकिन किरीट भाई के स्पिन और बाउंस ने बीट कर दिया था ध्रुविल को, लेकिन नो बॉल का साथ मिला। डॉट बॉल एक एक्स्ट्रा में कन्वर्ट हो गई। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 16। अगली गेंद के लिए दोनों तैयार, बल्लेबाज और गेंदबाज। किरीट भाई राइट आर्म राउंड से ध्रुविल को बॉलिंग करेंगे और ये बैकफुट से पंच किया और सिंगल चुराने में चिन्मय कामयाब इस बार। टू पॉइंट वन ओवर 17। और किरीट भाई राइट आर्म राउंड से इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे चिन्मय को। और ये लीव करना चाहते थे लेकिन गेंद अंदर आई, समझ नहीं पाए स्पिन को। डॉट बॉल, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहां पर किरीट भाई की। 2 गेंदों के बाद स्कोर है 17।
किसको लगेगा इसका खतरा मेरे दोस्त? स्कोर है 17। और बहुत ही उम्दा गेंद यहां पर, एक और डिफेंसिव स्ट्रोक चिन्मय का। तीन गेंदे हुई है, तीन गेंदे शेष है इस ओवर में। हर गेंद के बाद अपने हाथों को सुखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ओस है पिच पर, ड्यू है, रात का समय। और इस बार थोड़ी सी दूर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। सोच अच्छी थी, बैट स्विंग से दूर रखा लेकिन थोड़ी सी ज्यादा दूर, वाइड लाइन के बाहर ये गेंद। स्कोर हो चुका है 18। और ये मिस इट, जैसे ही बैट को लगी गेंद, किरीट भाई जानते थे कि विकेट गई, आउटसाइड एज, कोई मौका नहीं, सीधी जाके ऑफ साइड की नेट को लगी। और चिन्मय का एक बड़ा झटका, टू टू गो, अंपायर का इशारा था टू टू गो, नो नहीं था। चार गेंदों के बाद स्कोर है 18। और यहां पर नए बल्लेबाज हैं जीत उपाध्याय है। और ये बहुत ही उम्दा गेंद, वाइड तो नहीं थी ऐसा लग रहा है, जीत वाइड मांग रहे थे लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहां पर किरीट भाई की, फिर से पांच गेंदों में दो रन खर्च किए और एक विकेट ले ली, किफायती गेंदबाज है टीम वांटा के लिए, और टीम वांटा उनकी वैल्यू बकायदा जानती है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद, विकेट जरूर चटकाना चाहेंगे। और ये अच्छी गेंद, अच्छा डिफेंस, जीत का जीत जानते हैं कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी इस ओवर में। तीन ओवर के बाद 18 18, आखिरी। चेजिंग में हमेशा यू आर नेवर आउट ऑफ द गेम, बट डिफेंडिंग में आपको एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा अपने बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए, देने के लिए। देवेन भाई आ चुके हैं राइट आर्म राउंड से और ध्रुविल बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खेलना चाह रहे थे लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी देवेन की, यहां पर भांप लिया उन्होंने ध्रुविल के इंटेंशंस को। और इस बार फिर से उम्दा गेंदबाजी, दूर रखा बैट स्विंग से, बैक टू बैक डॉट गेंदे, प्रेशर ध्रुविल पर, जीत आ रहे हैं उनसे बात करने के लिए। थ्री पॉइंट टू स्कोर है 18। वांटा विलास के जीनू बहुत ही खुश लग रहे हैं। और ये लेग साइड में मोड़ दिया है, चिराग के हाथ में गेंद, सेफ हैंड्स, सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 19। तीन गेंदों के बाद तीन गेंदे बचे हैं, जीत जो कि और ये अनाउंसमेंट ऑफ हिज कमिंग टू द बैटिंग क्रीज। पहली दो मैचों में पहली गेंद पर छक्का और तीसरी मैच में दूसरी गेंद पर छक्का, बहुत ही उम्दा शुरुआत करते हैं जीत अपनी बैटिंग इनिंग्स का, एकदम लय में। और उम्दा कमबैक यहां पर देवेन का, पांच गेंदों के बाद स्कोर है 25। वेट 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 सॉरी, पांच गेंदों के बाद 25,
और ये बोल्ड मैक्सिमाइज करना चाहते थे इस आखिरी बॉल को भी, लेकिन ऐसा लग रहा है अपनी विकेट गवा बैठे। 25 छह गेंदे बची हैं, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है क्वार्टर 25। बुलेट राजा और इनिंग स्टार के कप्तान और बुलेट राजा के कप्तान प्लीज कॉम बॉक्स के पास आ जाए टॉस के लिए। इनिंग स्टार्स कप्तान मिहिर ठक्कर और बुलेट राजा के कप्तान आई थिंक आकाश जायसवाल आए थे टॉस के लिए। इनिंग स्टार और बुलेट राजा के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। MRPL सीजन 1 ब्रॉट टू यू बाय वाइल्ड क्लोथिंग, बुलेट राजा बाइक्स, निटॉन वाल्व इंडस्ट्रीज, KS मॉड्यूलर किचन्स एंड सेट्स इन द सिटी। चार ओवर 25 और ये उम्दा गेंद बीट किया बाय में एक रन। इनिंग स्टार और बुलेट राजा के कप्तान, बुलेट राजा एंड इनिंग स्टार्स कैप्टन। और स्टेप आउट इट इज, स्टेप आउट का कॉल था, स्टेप आउट करके मार दिया उन्होंने, बहुत ही एक्सीलेंट रीच। छह रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32, दो गेंदों के बाद 32। इनिंग स्टार के कप्तान यहां आ चुके हैं, बुलेट राजा के कप्तान कहां हैं? और ये बैकफुट से उठा दिया है, लेकिन मिसफील्ड, दो रन में लेने में कामयाब होंगे, हो गए। ऐसा लगा आसान सा कैच होगा, लेकिन दो फील्डर्स के बीच में गिरी गेंद, स्लाइट मिसफील्ड हो गई और दो रन चुराने में कामयाब। तीन गेंदों के बाद स्कोर है 34। और ये बोल्ड, बहुत ही बढ़िया कमबैक यहाँ पे शैलीन का। पहली मैच में भी डिफेंड करते टाइम अपना एक्सपीरियंस दिखाया था, इस मैच में भी दिखा रहे हैं, उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं शैलीन। चार गेंदों के बाद 34। आकाश जायसवाल से रिक्वेस्ट है, बुलेट राजा है कौन है, मीत भाई है, मीत भाई प्लीज आ जाए टॉस के लिए, टॉस के लिए। और ये वाइड बॉल है और ये रन चुराने में कामयाब, वाइड प्लस वन टोटल टू, शायद आगे जाके टच करते तो भी हो जाता विकेट, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ा गए हेरिन स्टंप्स के पीछे। स्कोर हो चुका है 36। और ये इनसाइड एज, दो रनों की दरकार है, जय गिर गए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे स्लिप हो गए वो, एक ही रन। स्कोर हो चुका है 37, आखिरी गेंद बची है,
इस पहली इनिंग में। और ये अच्छा शॉट लेकिन अच्छा कैच। स्कोर 37 टारगेट 38। अगले मैच के टॉस के लिए हम तैयार हैं। टीम इनिंग स्टार्स और टीम बुलेट राजा के बीच हमारे एस्टीम्ड गेस्ट्स अमलेश दादा पाटिल टॉस करने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रेजेंस में हमारा ये MRPL का डे वन बहुत ही उम्दा गुजर रहा है। टेल्स कॉल है, हेड्स कॉल है, हेड्स। बुलेट राजा का कॉल था हेड्स, इट्स अ हेड, इट्स अ हेड। बुलेट राजा ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है, बहुत ही उम्दा फैसला यहाँ पर। पार्थ आ जाइए प्लीज। 38 की चेज है, वीरेन भाई भी आएंगे। शादी आ जा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। बुलेट राजा वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, चेंज इन स्ट्रेटेजी। और सेकेंड इनिंग्स के लिए हम तैयार हैं, पाजी और वांटा विलास के बीच। दोनों जगह से बप्पा को पुकार, किसका साथ देंगे बप्पा? बप्पा तो सबका साथ देंगे, चाहे कोई जीते कोई हारे। और बैटिंग क्रीज पर आ रहे हैं हेरिन और भव्य, लग रहा है ओपन करने। और टीम पाजी ने लास्ट मैच में सिर्फ 39 रन ही खर्च किए थे, याद रखना। तो अगर उन्होंने 39 रन ही खर्च किए थे तो 37 भी डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन वांटा की बैटिंग ने 58 मारे थे पहली इनिंग में अपनी मैच में। वांटा के पास भी वो फायर पावर है। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी को अगर होंडा की चावी मिली हो डगआउट में कहीं भी, हमारी पिच पर कहीं भी या स्टैंड में, तो प्लीज उसे कॉम बॉक्स में दे दीजिए। हमारे एक प्रिय मित्र हैं, उनकी गाड़ी की चावी गुम हो गई है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो चावी हैंड ओवर कर दे, थैंक यू। होंडा जी की है, टारगेट 38, टारगेट इज ओनली 38। और अच्छी शुरुआत डॉट बॉल के साथ, शुरुआत यहां पर ध्रुविल की। और आवाज बढ़ते हुए पिच पर पाजी टीम की। और ये आवाज अब आती हुई डगआउट से, टीम वांटा के डगआउट से, हेरिन का करारा प्रहार, दूसरी गेंद पर छक्का। जाने जाते हैं अपनी नेचुरल गेम के लिए, एग्रेसिव बल्लेबाज है हेरिन बीड, नॉर्मली ओपनिंग ही करते हैं, जानते हैं अपनी गेम और अपने स्ट्रेंथ्स को। और ये अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, दो गेंदों के बाद 7 रन। बहुत दूर थी लेकिन चिन्मय की उम्दा कीपिंग यहां पर, डेफिनेट बाय बचा लिया उन्होंने। दो गेंदों के बाद स्कोर है 8 रन।
आठ रन बिना किसी नुकसान के। वो सिक्स का प्रेशर दिखता हुआ ध्रुवील के चेहरे पे, क्या वो कमबैक करने में कामयाब होंगे? और ये एक और वाइड, हैट्रिक ऑफ वाइड्स यहां पर ध्रुवील की। स्कोर हो चुका है 9 रन। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा चीयर वांटा के डगआउट में। दो गेंदों के बाद कुछ होल्ड अप इन प्ले है, कुछ हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्कोरर के लिए रुके थे, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, एक मिनट में रिजॉल्व हो जाएगा। आ रहे हैं दौड़ लगाते हुए पिच के बीच से, और ये लेग स्पिन और मोड़ दिया है सिंगल के लिए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अब, 3 गेंदों के बाद 10 रन। और इस बार प्लेसमेंट गलत, कनेक्शन सही लेकिन प्लेसमेंट गलत। 4 गेंदों के बाद 10 रन। थोड़ा सा एग्रेसिव होने के कोशिश में अपनी विकेट गवा बैठे हेरिन। लेग साइड में बाहर खेल दिया है गेंद को, और ये पहली गेंद पर प्रहार और कैच, बैक टू बैक विकेट्स। यहां पर कमबैक ध्रुवील का, बहुत ही उम्दा कमबैक, 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका लिया। यहां पर कैच पकड़ा है रुद्र ने। एक और गेंद बची है, क्या ये दूसरा हैट्रिक होगा एमआरपीएल सीजन 1 डे 1 पर? क्या ध्रुवील एक हैट्रिक लेने में कामयाब हो पाएंगे? लेकिन आ रहे हैं एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज शैलिन शाह। 5 गेंदे 10 रन, 38 का टारगेट है। पांच बॉल 10 रन, आखिरी गेंद, फील्ड में थोड़ा सा चेंज, हैट्रिक की कोशिश, लेकिन शैलिन नहीं देंगे दोस्त। शैलिन जानते हैं अपनी गेम को बकायदा, स्वीप शॉट खेलकर 1 रन चुरा लिया है, अपना खाता खोल दिया है, टीम का स्कोर भी आगे बढ़ा दिया है बिना किसी प्रेशर के। 1 ओवर की समाप्ति पर 11 विकेट, 2 विकेटें जरूर गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी लंबा बल्लेबाजी क्रम है टीम वांडा के पास। कुछ टाइट ओवर और विकेट टेकिंग गेंद चाहिए होंगी टीम पाजी को इस मैच में कमबैक करने के लिए, क्योंकि टारगेट काफी छोटा है। 5 ओवरों में 38 रनों की दरकार है सिर्फ, उसमें से 11 स्कोर कर चुके हैं टीम वांटा, 24 गेंदों में 27 रनों की दरकार है सिर्फ। बॉलिंग चेंज, एक और बॉलिंग चेंज, दूसरी ओवर कोई और, पहली ओवर आ रहे थे नीलू, दूसरी ओवर आ रहे थे ध्रुवील, इस बार पहली ओवर आए हैं ध्रुवील, दूसरी ओवर आ रहे हैं जय। ऐसा लगता है नीलू खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, आखिरी 6 गेंदों में अगर 6 या 7 रन डिफेंड करने पे आ जाएं तो। लेकिन डेफिनेटली वांटा इतना डीप नहीं लेना चाहेगी इस मैच को। वाइड बॉल के साथ शुरुआत यहां पर, 1 ओवर 12। और ये सिंगल चुरा लिया है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, स्लाइट मिसफील्ड, और जोर से दौड़ पड़े भव्य और शैलिन। 1 गेंद के बाद स्कोर है 13।
और ये नो बॉल, लेकिन नो बॉल में अपना विकेट गवा बैठे शैलिन, फ्रस्ट्रेटेड है खुद से, जानते हैं कि इसको शॉर्ट बॉल को कन्वर्ट कर सकते थे इजीली, लेकिन ये एक बड़ा झटका हो सकता है। रन भी मिलेगा, विकेट भी मिलेगी और गेंद भी काउंट होगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, नो बॉल में अगर विकेट मिलेगी तो रन काउंट होगा, बॉल काउंट होगा और विकेट भी मिलेगा। बॉलिंग और बैटिंग टीम दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। स्कोर है 14। ये बॉल काउंट होगा शायद। भाई बॉल कितना हुआ है? स्कोरर बॉल 1.214। और ये अच्छा शॉट यहां पर, उम्दा शॉट यहां पर दीप का, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग सागर भाई की, अच्छी फील्डिंग यहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण मिड विकेट की दिशा में सागर भाई का। तीन गेंदों के बाद स्कोर है 14। और ये सीधा हाथों में गेंद, गिफ्ट कर दिया है अपनी विकेट को, चार विकेट गवा चुकी है टीम वांटा, प्रेशर ऐसा लग रहा है उन पर आता हुआ थोड़ा सा। 14 पे 4, आई थिंक 14 या 15, 14 पे 4, 1.4 ओवरों के बाद थोड़ा सा प्रेशर जरूर है। दो गेंदे बची है इस ओवर में, थोड़ा सा प्रेशर है दोनों टीम्स पर। अब एक अच्छा ओवर पनपता हुआ टीम पाजी के लिए, चार गेंदों में 3 रन और 2 बड़ी विकेट्स। और ये बहुत ही उम्दा फील्डिंग रुद्र की यहां पर, पाए बचा लिया है उन्होंने और अंपायर का कोई इशारा नहीं है, डॉट बॉल है ये, ऐसा लग रहा है उनके पैंट या पैर को छू कर निकली गेंद। उम्दा उम्दा फील्डिंग यहां पर रुद्र की, टीम की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये चिराग का फेवरेट शॉट, टैप शॉट, जिसमें उनको हमेशा सफलता मिली है, सिंगल चुराने में कामयाब। 2 ओवरों के बाद स्कोर है 15, 15, 15, 18 गेंदों में 22 रनों की 23 रनों की दरकार है, 23, टारगेट है 38। और यही मैचअप हमने पहली इनिंग में देखा था, जिसमें चिराग ने नीलू की विकेट ली थी। अब मैचअप देख रहे हैं फिर से हम, नीलू वर्सेस चिराग, जिसमें इस बार गेंदबाजी पर है नीलू और बल्लेबाजी पर है चिराग। अगली गेंद के लिए तैयार, 2 ओवरों के बाद स्कोर है 15। और ये अच्छा शॉट मोड़ दिया मिड विकेट की दिशा में, सिंगल चुराने में कामयाब। भव्य को स्ट्राइक दे दिए, 1 रन चुराकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। 2.1 गेंदों के बाद स्कोर है 16, 4 विकेटों के नुकसान पर। डेफिनेटली एक लंबा बैटिंग लाइनअप है वांडा के पास, लेकिन वो चाहेंगे कि चिराग इस मैच को फिनिश करे उनके लिए, आखिरी तक खड़े रहे, वो उनके एस एस प्लेयर हैं। और यहां पर नीलू, और ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, बहुत ही करारा प्रहार भव्य का, उम्दा शॉट इस मैच को वांटा के पलड़े में डाल दिया है इस छक्के के साथ। नीलू को ये 6 रन भारी पड़ सकते हैं टीम पाजी को, बहुत ही उम्दा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और ये दूसरा बैक टू बैक बड़े हिट्स,
थोड़ा सा ओपन स्टैंड है, चंदर बॉल के जैसे खड़े रहते, राइट हैंडेड चंदर बॉल के जैसे स्टैंड ओपन करके खड़े हैं, और ये स्टैंड ही उनकी हेल्प कर रहा है गेंद के नीचे पहुंचने में। स्कोर हो चुका है 26, और ये नीलू का कमबैक, स्लोअर गेंद, कोई मौका नहीं। बहुत अच्छा चाहते थे कि हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज खेले, लेकिन उनके इन दो हिट्स ने गेम का स्कोर हो चुका है 26, 12 रनों की दरकार है। एक सिक्स था और एक फोर था। एक मिनट, लेट मी कंफर्म। स्कोरर दोनों सिक्स था, स्कोरर से दोनों सिक्स था। 28, 10 रनों की दरकार है। हाँ, 14 गेंदों में 10 रनों की दरकार है। चार बॉल हुआ, पहले पे आपने सिंगल लिया, और ये बैकफुट से पंच करना चाहते थे जीनू, जो के कप्तान और ओनर है वांटा विलास के, और ये एक रन चुराने में कामयाब। आखिरी गेंद पर स्कोर हो चुका है 29, 12 गेंदों में 9 रनों की दरकार। एक महंगा ओवर नीलू का, यही मेक और ब्रेक ओवर था। इस ओवर में दो बड़े हिट्स ने झोली भर दी है वांटा विलास की, जीत की खुशी से। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, 3-0, 30, 3-0, 30। थोड़ा सा फील्ड में चेंज, मेरे साथी फोटोग्राफर हर्ष पुंजानी कॉम बॉक्स में आते हुए। और ये अच्छी गेंद अंदर आई, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन बीट किया चिराग को। एक बॉल 30 रन, और ये एज थी हवा में गेंद, लेकिन कोई खामियाजा नहीं। टीम वांटा को एक और रन मिलता हुआ, सिंगल चुराने में कामयाब चिराग चौधरी। अगली गेंद के लिए तैयार है चिन्मय, करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से, सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की दरकार है इस मैच को वांटा विलास को जीतने के लिए, और उनके ओनर जीनू स्ट्राइक पर है। अगली गेंद के लिए तैयार, और ये आगे आगे घुमा दिया है, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। 4 रनों के साथ जीनू ने मार्जिन और कम कर दिया, सिर्फ 3 रनों की दरकार है अब। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, आक्रामक बल्लेबाजी, इसको कहते हैं घुस के मारूंगा। और ये वाइड बॉल, चिन्मय पे प्रेशर दिखता हुआ। स्कोर हो चुका है 35 रन, और इसी के साथ गेम सेट मैच वांटा विलास के।